पर रुख करेंगे। यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले, एस राजलिंगम वाराणसी के डीएम बने और मनोज कुमार जिलाधिकारी बदायूं बने हैं, तो दीपा रंजन डीएम बांदा बनी है, अनुराग पटेल को प्रतीक्षारत किया गया है। तो मनोज कुमार जिलाधिकारी बदायूं बने हैं, दीपा रंजन डीएम बांदा बनी है और इसी के साथ अनुराग पटेल को प्रतीक्षारत किया गया है। तो यूपी में 6 आईएएस अफसरों के तबादले से जुड़ी बड़ी खबर। स्टेट हेड वीरेन सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेन जी, इस तरीके से जो लगातार जो स्थानांतरित के मामले सामने आए, फिलहाल 6 आईएएस अफसरों के साथ एक बड़ा बदलाव। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा बदलाव इसलिए कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कौशल नाथ शर्मा कमिश्नर हो गए थे और डीएम का पद खाली चल रहा था वाराणसी में। पहले भी राजलिंगम का एक बार कुशीनगर से बनारस के डीएम पद पर तबादला हुआ था, लेकिन वो बाद में निरस्त हो गया। तो ऐसे में अब आज उत्तर प्रदेश सरकार ने राजलिंगम को कुशीनगर से बनारस का डीएम बना दिया है और दीपा रंजन जो अभी तक बदायूं की डीएम थी उनको बांदा का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। बांदा में अनुराग पटेल डीएम थे, उनको सरकार ने वेटिंग में डाल दिया है, वो लंबे समय से वहां पे जिलाधिकारी थे। हाथरस के डीएम को कुशीनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है और हापुड़ से बीसी प्राधिकरण रही है उनको हाथरस का जिलाधिकारी बनाकर भेजा गया है। तो ये तबादले छोटे हैं लेकिन कई महत्वपूर्ण जिले इसमें शामिल हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए। छोटे लेकिन महत्वपूर्ण तबादले जिसमें अनुराग पटेल को फिलहाल प्रतीक्षारत किया गया है।